बहू सासुर चलने की तैयारी हो चुकी है। बहू ये आप क्या कर रहे हैं? इस तलवार के एक तरफ तो धार है, फिर दूसरी तरफ धार क्यों लगा रहे हैं? जी मैं हाथ देना तेरा। रक्त बहाया तेरा, तूने उफ तक नहीं की। क्यों? क्योंकि रक्त भले ही मेरा बहा हो पर इस पर अधिकार आपका है और हमें विश्वास है कि आप आपका अधिकार व्यर्थ नहीं बहाएंगे। श्रीमान चिम्माजी साहिब, छत्रपति शिवाजी महाराज के अखंड स्वराज का सपना मेरा नहीं, हमारे परिवार का है। इसलिए मेरा पेशवा बनना मेरी नहीं, हमारे परिवार की इस रक्त धारा की विजय है। हम दोनों की रगों में एक ही खून है, दो शरीर एक प्राण है हम चिम्माजी साहिब। इस पूरे संसार में सबसे अधिक विश्वास तुझ पे है मुझे। शाहू जी महाराज ने सत्य कहा था, पेशवाई के लिए शस्त्र भी चाहिए और शास्त्र भी। इसीलिए आज से मैं शस्त्र संभालूंगा और तू शास्त्र संभालेगा। बाहर के शत्रु को मैं रोकूंगा, अंदर के संकट को तू। आज से हम दोनों दो नहीं, एक है चिमड़ा। हमारे बीच जितने मतभेद हो, लड़ाइयां हो, पर याद रखना तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं और कुछ नहीं हो सकता। अहो आपने हमें जो दायित्व सौंपा है उससे हमारा मान बढ़ गया है, इसे हम कभी गिरने नहीं देंगे। चाहे संसार इधर का उधर हो जाए, आपका साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। वही नहीं, आप कर क्या रही है? अब हम पेशविन भाई हैं, इसलिए पेशविन भाई की तरह चलना सीख रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि इस राज्य के सबसे बड़े चित्रकार को बुलाकर ऐसे गर्व से खड़े हुए एक चित्र बनवाएंगे। रकमा, चित्र बनाने में कितना समय जाता है? 20-30 दिन तो लग जाएंगे ताई साहब। हका भाई, म्हणजे हमें 20-30 दिन तक ऐसे खड़े रहना पड़ेगा? रकमा, हम अगर ऐसे खड़े रहेंगे तो हमारी तो गर्दन ही अकड़ जाएगी। वही नहीं, 30 दिन एक साथ खड़े नहीं रहना होगा, बीच बीच में आप हट भी सकते हैं, है ना? हम तो सोच रहे थे कि हम ऐसे ऐसे खड़े रहेंगे। देवा देवा देवा, ये पेशविन भाई जैसा बनना बड़ा ही कठिन है, हमसे ना होगा। पेशविन भाई जैसा होना इतना कठिन है तो सोचिए कि पेशविन भाई होना कितना कठिन होगा। आप अपने जोश में भूल रही हैं कि मात्र आप पेशविन भाई नहीं बनी, मेरे भाव भी पेशवा बने हैं। पत्नी के रूप में तो आप अपने बारे में ही सोचती रही, अब पेशविन भाई बन के थोड़ा पेशवा साहिब के बारे में भी सोच लीजिए। व्यू ताई, आपको किसने कह दिया कि हम मात्र अपने बारे में सोचते, अपने पति के बारे में नहीं सोचते? हम तो राव के बारे में इतना सोचते कि वो मुगलों से अधिक हिचकियों से परेशान रहे होंगे। आई साहब कहती है कि एक पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए,
पर हमने एक पूरी पुस्तक उनका नाम लिख के भर दी है और आप कहती हैं कि हम अपने पति के बारे में नहीं सोचते हैं। मेरी बात पे रोने की जगह विचार करिए वहीनी। ननद ये बात कह रही है तो बुरा लगा, यही बात अगर संसार कहे तब? संसार तो तब कहेगा ना जब आप उसे कहने का कोई अवसर देंगे। आप तो स्वयं ही इतना कुछ कह देती है कि बाकियों के पास कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। जितनी बुद्धि और प्रयास आप मुझसे तर्क करने में लगा रही हैं, उतना पेशेंट भाई बनने में लगाए तो संभव है बन भी जाए। मेरा कर्तव्य आपको स्मरण कराना है कि पेशेंट भाई को बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं, पर आपको तो बलिदान देने की आदत ही नहीं है। टालनी भी नहीं है, क्योंकि हम ना किसी का अधिकार छीनते हैं ना अपना अधिकार छोड़ते हैं। मैं तो यहाँ आपको समझाने आई थी वहीनी, बाकी आपकी मर्जी। वहीनी, रोकर भीवताई की बात को सत्य मत कीजिए, बल्कि दृढ़ बनकर उनकी बात को गलत सिद्ध कीजिए। जब आप अपनी जिम्मेदारियां उठा लेंगी तो सिर्फ भीवताई की नहीं बल्कि भाऊ के आंखों में भी आपका सम्मान बढ़ जाएगा। आपने आरती की थाल तैयार कर दी? उसे तो प्रतीक्षा ही नहीं हो रही कि कब हम उनकी आरती उतारेंगे। हम उनके पत्नी हैं, पेशवीन भाई हैं, उनकी आरती उतारना हमारा दायित्व है ना? धन्यवाद। आपका स्वागत है पेशवा साहिब। धन्यवाद पेशवीन भाई। भाई साहिब कहाँ है?